आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि YouTube के लिए वीडियोस कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं, YouTube के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। YouTube के लिए दो तरह की वीडियोस रिकॉर्ड की जाती है, एक कैमरा से जैसे कि मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और एक कंप्यूटर या मोबाइल फोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड किया जाता है। कंप्यूटर या मोबाइल फोन की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है इस पर तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैमरा से जो वीडियो रिकॉर्ड की जाती है वो कैसे रिकॉर्ड की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। YouTube चैनल के लिए वीडियोस बनाने के लिए आपको चार चीजों की जरूरत पड़ेगी। नंबर फर्स्ट है कैमरा, नंबर सेकंड है माइक, नंबर थर्ड है लाइट, और नंबर फोर्थ है ट्राइपॉड। अगर हम कैमरा की बात करें तो मेरे पास दो DSLR है, एक है कैनन 90D और एक है निकॉन D5600। इसके अलावा मेरे पास एक स्मार्टफोन है ओप्पो F15 और एक है iPhone 11 जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपने एक YouTube चैनल स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग में आपको DSLR कैमरा लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास जो भी स्मार्टफोन है उसी को आप यूज़ कर सकते हैं अपने YouTube चैनल के लिए वीडियोस बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ओप्पो F15 है तो इसमें भी वीडियो काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड किए जाते हैं। आपके पास चाहे कोई भी स्मार्टफोन हो, सैमसंग, ओप्पो, रियलमी, MI, आप उसके कैमरा को यूज़ कर सकते हैं अपने YouTube चैनल के लिए वीडियोस बनाने के लिए। इसके बाद जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो करेगा तो आप आईफोन परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप DSLR भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही काम चला सकते हैं। और दूसरे नंबर पर है माइक। माइक की अगर हम बात करें तो आपको DSLR में और मोबाइल फ़ोन में एक इनबिल्ट माइक मिलता है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि अगर आप एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसमें वॉइस अच्छी नहीं होती है तो उस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। तो माइक में नंबर फर्स्ट पर आती है ईयरफोन। आपके पास जो भी ईयरफोन है आपके मोबाइल फ़ोन के साथ आपको मिली है उसमें भी एक माइक होता है और उससे भी आप अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने इसको टेस्ट किया है और इससे काफ़ी अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो अगर आपके पास कोई भी माइक नहीं है तो पहले तो आप अपने ईयरफोन को ही यूज़ कर सकते हैं ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। आप बस ईयरफोन को अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे और आप कैमरा ओपन करके वीडियोस बनाएंगे तो इसमें आप जो भी ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे वो काफ़ी क्लियर रिकॉर्ड होगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है बोया माइक। ये 1000 रुपये के बजट का माइक है। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ये मैं बोया से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे पास और भी कई सारे बोया माइक हैं, ये आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। 1000 रुपये के बजट में ये सबसे अच्छा माइक है। ज़्यादातर यूट्यूबर्स इसी माइक को यूज़ करते हैं अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। इसके अलावा मेरे पास एक जूम 1N है, ये हैंडी माइक है, मतलब कि इसको हम कहीं भी ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास एक सैमसंग गो माइक है। इस माइक को मैं यूज़ करता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। इसके अलावा थर्ड चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है लाइट। एक शूटिंग होती है इनडोर में, जैसे कि मैं यहाँ पर अंदर ये शूटिंग कर रहा हूँ, और एक होती है आउटडोर में, जो आप बाहर ग्राउंड में, पार्क में या कहीं भी जा कर के करते हैं। तो अगर आउटडोर शूटिंग है तो उसमें लाइट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि नेचुरल लाइट काफ़ी होती है, लेकिन अगर आप इंडोर में अंदर कहीं पर रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो तब आपको लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप LED लाइट्स लगा सकते हैं। इसके अलावा चौथी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है ट्राईपोड। यहाँ मेरे पास दो ट्राईपोड है, एक ये है, ये मैं DSLR के लिए यूज़ करता हूँ, और दूसरा ये मैं मोबाइल फ़ोन के लिए यूज़ करता हूँ। तो आप एक ट्राईपोड अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जब आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को या कैमरा को कहीं रखना पड़ेगा और जहाँ पर आप रखेंगे डर रहेगा कि वो गिर सकता है या हिल सकता है। लेकिन अगर आप अपने कैमरा को या मोबाइल फ़ोन को ट्राईपोड पर एक बार माउंट कर देंगे तो ना तो वो गिरेगा और ना ही हिलेगा, और फिर आप आसानी के साथ इस तरीके से जिधर भी आपको ज़रूरत है घुमा भी सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है YouTube के लिए वीडियोस बनाने के लिए, एक स्मार्टफोन, एक माइक और एक ट्राईपोड। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है YouTube के लिए वीडियोस बनाने के लिए।
सबसे पहले तो आपको एक टॉपिक चूज करना होगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं। इसके बाद आप अपने कैमरा को माउंट करेंगे अपने ट्राइपॉड पर, जैसे कि यहाँ पर मैंने ट्राइपॉड रख दिया है। अब इस पर मैं अपने मोबाइल फोन को माउंट कर देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर आप मोबाइल फोन को रखेंगे और यहाँ से इसको टाइट करेंगे। इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन को या DSLR कैमरा को माउंट कर देंगे अपने ट्राइपॉड पर, और इसी में आप अपने माइक को लगा देंगे। जैसे कि हमारे पास बोया माइक है, तो यहाँ पर हम बोया माइक को लगा लेते हैं। कैमरा और माइक मैंने दोनों अटैच कर दिया है। ये कॉलर माइक होता है, तो इसको आप अपने कॉलर में इस तरह से अटैच करेंगे। इसके बाद जो भी आपका टॉपिक है, आप उसके बारे में वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। बीच में अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो भी आप मिस्टेक करेंगे उसको आप रिपीट कर दीजिए, या अगर आप कहीं कुछ भूल जाते हैं तो आप उसको रुक करके सोच सकते हैं और उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये जो आप मिस्टेक करेंगे या आप जो रुक करके सोचेंगे, इन सारी चीजों को आप एडिटिंग में सही कर सकते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बनाने के लिए टॉपिक कैसे फाइंड करते हैं, उस टॉपिक को रेडी कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आप उसमें आराम से सीख जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्ड करनी कैसे है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अदा खान है, ये अपने YouTube चैनल के लिए एक वीडियो बनाने की तैयारी कर रही है। यहाँ पर देखिए एक ट्राइपॉड लगाया गया है और ट्राइपॉड के ऊपर एक कैमरा को माउंट किया गया है, और इसी कैमरा में एक एक्सटर्नल माइक भी लगाया गया है जो कि बोया का माइक है, और ये एक कॉलर माइक है। तो इसी तरीके से आप करेंगे, आप एक ट्राइपॉड लगाएंगे, ट्राइपॉड के ऊपर आप अपने मोबाइल फोन को या DSLR या जो भी कैमरा आपके पास है उसको आप माउंट करेंगे, उसमें आप माइक को अटैच करेंगे, और इसके बाद इस तरीके से आप कैमरा के सामने खड़े होकर आपका जो भी टॉपिक है आप उस पर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। हेलो गाइस, मैं हूं अदा खान और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूट्यूबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और किन-किन यूट्यूबर्स को दिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो वीडियो आप अपने YouTube चैनल के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उसको आप एक बार में ही पूरा रिकॉर्ड करें, बल्कि आप उसको अलग अलग सीन्स में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि इसी वीडियो को मैंने दो सीन्स में, दो पार्ट्स में रिकॉर्ड किया है। एक पार्ट में मैंने टेबल वाला सीन, जिस पर मैंने आपको माइक और कैमरा दिखाया है, वो रिकॉर्ड किया है, और दूसरे में मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैमरे के सामने खड़े होकर। तो जरूरी नहीं है कि आप YouTube पर जो वीडियो बना रहे हैं उसको आप एक ही बार में रिकॉर्ड करें, बल्कि आप अलग अलग कई सारे सीन्स में, कई सारे पार्ट्स में उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद जब आप एडिटिंग करेंगे तो एडिटिंग में आप उन सारे पार्ट्स को एक साथ मिलाकर एक कंप्लीट वीडियो बना सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने मोबाइल फोन से YouTube चैनल के लिए वीडियोस को एडिट कैसे कर सकते हैं।